एवरीबॉडी, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने सेल के ऊपर रिसर्च किया और सेल को खोजा, ताकि हम आज आधुनिक समय में सेल के ऊपर हम जो पढ़ पा रहे हैं, जो रिसर्च पढ़ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, इन्हीं की देन है। इन्हीं के देन के आधार पर, इन्हीं के प्रयास से हम आज सेल का अध्ययन कर रहे हैं और सेल के बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो पहले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के इस्तेमाल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया, उनको देखा। इन्होंने सन 1665 में कार्क में कोशिका को देखा, 1665 में कार्क में कोशिका या सेल की खोज की। आप देखिए बच्चों, याद रखेंगे रॉबर्ट हुक 1665, कोशिका की खोज की। ये प्रश्न आपको जीवन भर याद रहना चाहिए यदि आपको कंपटीशन एग्जाम में जाना है या आगे का अध्ययन आपको विज्ञान विषय से करना है। इसको सेल नाम कैसे पड़ा? लैटिन वर्ड में सेल को सेलुला बोला जाता है, इसका मतलब होता है छोटा कमरा या स्मॉल रूम। तो इसका वर्णन इन्होंने अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में भी किया है। याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने पुस्तक प्रकाशित करवाया माइक्रोग्राफिया, जो कि 1665 में ही पब्लिश हुआ। सेल दिखता रहते था मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हेक्सागोनल, ठीक है। अगला देखिए, एंटोनी वान लीवेनहॉक डच वैज्ञानिक थे। 1674 में तालाब के पानी में, 1674 में तालाब के पानी में उन्होंने क्या देखा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, एक कोशिकीय जीव को पहली बार उन्होंने देखा। अब इन्होंने कैसे देखा? जैसे रॉबर्ट हुक ने देखा अपने हाथों के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, तो पहले के वैज्ञानिक लोग अपने हाथों से बनाए हुए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे। उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था या और एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, तो सभी वैज्ञानिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते थे अपने हाथों से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उसका अध्ययन करते थे। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक 1674 फर्स्ट लिविंग सेल देखा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। द थर्ड वन इज रॉबर्ट ब्राउन, बॉटनिस्ट थे। 1831 ऑर्किड प्लांट्स पे फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म पे ये काम कर रहे थे, पोलन ग्रेन्स के ऊपर, वहां उनके सेल पे उन्होंने न्यूक्लियस को देखा या केंद्रक को देखा या केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ऑर्किड प्लांट्स पे सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा या केंद्रक को देखा। द फोर्थ वन इज जे ई पुडकिंजे 1839। बच्चों मैं सन आपको इसे याद करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सन याद होना चाहिए, वैज्ञानिक का नाम, सन और क्या खोज किया, ये आपके जीवन के किसी भी क्षण में काम आ सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकते हैं या आप साइंस लेके पढ़ेंगे उसमें काम आ सकते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को मैं। जे ई पुडकिंजे 1839 सेल में उपस्थित तरल जैविक पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म के हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, जो कि सेल के अंदर द्रव फैला होता है उसको बोलते हैं। फिफ्थ वन इज स्लेडन एंड स्वान, दो वैज्ञानिक हैं स्लेडन स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी इन्होंने ही दिया 1839 में। इनके अनुसार एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, जंतु और पादप किसके बने होते हैं? एक ही सेल के बने होते हैं, एक ही जैसी कोशिका के बने होते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई भी कोशिका ही है, ऐसा इनका कहना था। इन्हीं के आधार पर इन्होंने आपका सेल थ्योरी दिया। छठवें नंबर पे है रोडोल्फ वेचो, All cells come from pre-existing cells. कोशिकाएं विभाजित होती है वह अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, कोशिकाएं विभाजित होती है वह अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही विभाजित होती है, ऐसा इनका मत था रुडोल्फ विर्चो का। ये भी इनका समर्थन किए स्लेडन एंड स्वान का, इनके समर्थन से ये इनका समर्थन किए, रुडोल्फ विर्चो जो थे स्लेडन एंड स्वान के मत का समर्थन करते थे। तो ये ऐसा है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा हिस्ट्री ऑफ सेल्स, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज किए। अब आपके एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड के पुस्तक में जो क्रियाकलाप दिया गया है, प्रैक्टिकल दिया गया है, उसको हम ऐसे ही देखिए बताते हैं आपको। पहला क्रियाकलाप है आपका हाउ टू सी प्लांट सेल, प्रैक्टिकल दिया गया है प्लांट सेल को कैसे देखें, और एक आपका दिया गया है एनिमल सेल को कैसे देखें। तो प्लांट सेल में क्या क्या लिया गया है देखिए, प्लांट सेल में पहला दिया गया है माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अध्ययन करना, माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अध्ययन करना। इसके लिए सर्वप्रथम आपको माचिस की तीली को लेके पानी में 2 घंटा डुबा के रखना है, जिससे वह तीली पूरी तरह भीग जाए
उसके बाद उसको ब्लेड से लेके स्लाइड में रख के नया ब्लेड से बारीक काट करेंगे अपन, टीएस काटेंगे, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड में लगा के कवर स्लिप लगा के पानी की दो बूंद डाल के उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते ऐसा दिखा। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है रियो की पत्तियों की कोशिकाओं का अध्ययन करना। रियो जो है मैक्सिको का पौधा है जो भारत लाया गया था, ये एक सजावटी पौधा है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फीट तक होती है। इसकी पत्तियों के निचली सतह पर फ्लैशी मांस होता है जिसको निकाल कर बारीक बारीक पन्नी ऐसा सतह होता है उसको निकाल कर उसको भी अपन स्लाइड में रख कर एक दो बूंद पानी डाल के कवर स्लिप चिपका के माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा आ सकता है। द थर्ड वन इज, तीसरा है प्याज की कोशिकाओं का अध्ययन करना। प्याज की कोशिकाओं का अध्ययन करना, प्याज को जब हम छिलेंगे, जैसे देखिए ये आपका प्याज है, इसको हम जब छीलेंगे तो नीचे देखिए एक पन्नी ऐसा आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये पन्नी ऐसा दिखाई देगा। इसको आप कवर स्लिप से थोड़ा छोटा काट के इसको आप अलग कर लीजिए। स्लाइड पर रखने के बाद इसको आप एक दो बूंद पानी डाल दीजिए, उसके बाद आप माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बारीक बारीक खाने सेल्स के रूप में दिखाई देंगे। ये हो गया प्याज का। उसके बाद देखिए हाउ टू सी अ एनिमल सेल, हाउ टू सी एनिमल सेल, ये प्रैक्टिकल में है आपका। मनुष्य के गाल की कोशिकाओं का अध्ययन करना। तो मनुष्य गाल कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करेंगे? आइसक्रीम स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक को आप अंदरूनी गाल में अपना हल्का हल्का खुरचिए। इसको देखिए आप टीचर की उपस्थिति में ही करना है, बच्चों को आप अपने मर्जी से अकेले में नहीं करेंगे इसको, आप जब आपके शिक्षक मौजूद रहेंगे स्कूल में या क्लास में तभी आपको करना है, नहीं तो खून भी बह सकता है, चोट भी लग सकता है। तो इसको आप खुरचेंगे, खुरचने के बाद स्लाइड पे साफ हल्का सा टकराएंगे, छुएंगे स्लाइड में तो गिर जाएगा आपका खुरचन जो रहेगा, उस पर एक बूंद पानी डालेंगे और कवर स्लिप लगा देंगे। इसको भी सेम वैसे ही माइक्रोस्कोप से आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको गाल की कोशिकाएं दिखाई देंगी। तो ये था क्लास 9th का प्रैक्टिकल जो कि NCERT और CG बोर्ड दोनों में दिया गया है। तो बच्चों आपको मेरा क्लास कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको और क्या इसमें कंटेंट चाहिए, और अगर अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।